तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं बॉलीवुड फिल्म बधाई हो के लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अपडेट्स। तो फिल्म बधाई हो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी 18 अक्टूबर 2018 को और ये एक बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसको रेटिंग और रिव्यूज काफी अच्छे मिले थे। फिल्म को एक्सपर्ट्स ने 5 में से 4 स्टार्स की रेटिंग दी थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था अमित शर्मा ने। फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव, सुरेखा सिकरी, सानिया मल्होत्रा और चड्डा लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। अब मैं फिल्म की आप लोगों को बेसिक स्टोरी बताता हूं। तो फिल्म की बेसिक स्टोरी क्या है, जैसे कि फिल्म में जो आयुष्मान खुराना है वो एक 25 साल के यंग लड़के का रोल निभाते हैं। अब उनकी मदर नीना गुप्ता और उनके फादर गजराज राव जो फिल्म के अंदर लगभग 50 साल की एज के आसपास होंगे। अब फिल्म के अंदर क्या होता है, उनकी जो मदर होती है नीना गुप्ता वो 50 साल की एज के आसपास प्रेग्नेंट हो जाती है। तो पहले तो वो और उसके हस्बैंड सोचते हैं कि घर वालों को बताएं ना बताएं या बच्चे को एबॉर्ट करा दें क्या करें, लेकिन वो कोशिश करके शर्मा शर्मा के घर में बता देते हैं। पहले तो उनके घर वाले ये खबर सुन के अपसेट होते हैं, शॉक होते हैं। फिर उसके बाद जब आयुष्मान खुराना को बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होता है कि वो अब लोगों को कैसे फेस करेंगे, लोगों को क्या बोलेंगे कि उनकी मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, तो आयुष्मान खुराना एम्बेरस फील होते होते अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी को, अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली फिल्म की स्टोरी कुछ इसी तरह की है और फिल्म काफी अच्छी है। चलिए बात करें फिल्म के स्क्रीन काउंट्स की, तो फिल्म को लगभग 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म ने अपने डे वन पर इंडिया में 7 करोड़ 65 लाख रुपीस की ओपनिंग कलेक्शन की थी। इंडिया में फर्स्ट वीक में 66 करोड़ 40 लाख की कलेक्शन की थी, 66 करोड़ 40 लाख की। इंडिया में टोटल जो नेट कलेक्शन था लाइफ टाइम, अब नेट कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता, इंडिया का लाइफ टाइम टोटल जो नेट कलेक्शन था वो था 137 करोड़ 54 लाख रुपीस का। इंडिया का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन, अब ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन है वो है 176 करोड़ 33 लाख रुपीस का। इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज मार्केट 45 करोड़ 2 लाख की कलेक्शन की थी और ये सब इंक्लूड करके फिल्म का जो टोटल वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है वो 200 करोड़ पार हुआ था। यानी फिल्म ने दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड 221 करोड़ 35 लाख की कलेक्शन की थी, 221 करोड़ 35 लाख रुपए की दुनिया भर में कलेक्शन की थी। रही बात बजट की तो फिल्म का बजट था 30 करोड़ का जिसमें से 20 करोड़ था प्रोडक्शन कॉस्ट, फिल्म का बनने का कॉस्ट, और बाकी का 10 करोड़ था प्रिंट्स और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट यानी प्रमोशन कॉस्ट। तो 20 करोड़ और 10 करोड़ मिला के बजट हो गया था 30 करोड़ का। अब 30 करोड़ के बजट में जो सारा कलेक्शन था उस हिसाब से फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की वर्डिक्ट दी गई थी। यानी फिल्म को रेटिंग अच्छी मिली, रिव्यूज अच्छे मिले, कलेक्शन अच्छा हुआ और साथ ही वर्डिक्ट भी अच्छी मिली जो कि मिली थी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की ऑफिशियल वर्डिक्ट। अब ये हो गई कलेक्शंस की बात, वर्डिक्ट की बात। वैसे ये जो फिल्म है ये ऑलरेडी 3 अवार्ड्स अपने नाम हासिल कर चुकी है अभी हाल ही में और तीनों अवार्ड्स जीते हैं स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में। अब ये जो फिल्म है ये क्लैश हुई थी अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म नमस्ते इंग्लैंड के साथ। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।